हेलो बच्चों, आप सभी का YRS क्लास में स्वागत है। तो आइए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर दूसरा दूसरा कह रहा था इसमें, उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो हमने प्रश्न नंबर एक के यानी जो जो दूसरा प्रश्न है सेम एक पर निर्भर कर रहा है, दूसरे का जो पहला प्रश्न दिया है इसमें एक और दो इसको हल कर लिया था। आज हम हल करेंगे दूसरा और तीसरा और चौथा हल करेंगे, जो कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमें हल करना है। तो प्रश्न दूसरा का यह कह रहा है, यहाँ तीसरा, 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो हम लिखेंगे यहाँ से 4x² + 4√3x + 3 = 0 की तुलना ax² bx + c = 0 से करने पर। तो बच्चों यहाँ देखिए, सामने ए बी सी का मान हम कैसे निकालेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपका एक मान कहलाता है। गुणांक क्या दिया है स्क्वायर का, 4 दिया है, यानी a बराबर यहाँ से मिला 4, तो b बराबर b होता है x का गुणांक दिया है 4√3, और सी का मान दिया है, सी होता है अचर पद जिसमें यक्स स्क्वायर यक्स ना लगा हो, तो क्या है 3। इसलिए द्विघाती सूत्र पूरा फॉर्म यक्स में लिखा है, तो लिखेंगे यक्स बराबर -b + -b² - 4ac / 2a। तो यक्स बराबर बच्चों लिखा माइनस बी का मान है 4√3 + -b² बी का स्क्वायर यानी 4√3² - 4 ए का मान है 4 बी सी का मान है 3 / 2a अपान क्या है 2 है 2 ए का मान लिखा है यहाँ से 4। तो यक्स बराबर यहाँ से हुआ -4√3 + -4√, इस पर भी क्या है स्क्वायर है, यानी यहाँ पर √3 अपरमेय संख्या और √4 परिमेय संख्या है, और इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो बच्चों 4 पर स्क्वायर नहीं है ना, तो 4 का वर्ग 16 होगा, इस वर्ग से वर्ग में कट जाएगा, 16 3 48 क्या हुआ 48 -4 4 16 16 3 48 अपान 2 4 8 मिला। तो यहाँ से यक्स बराबर हुआ -4√3 + -√48 है ये संख्या आपस में कट जाएंगी, और यहाँ से बच्चा आपका 0 अपान 4, तो यक्स 8 अपान, तो -4√3 + -0 का वर्गमूल 0 होता है अपान 8 हुआ, यहाँ से यक्स बराबर -4 + -0/8। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने से 4√3 धन चिन्ह लेने से, फिर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने से, तो यक्स बराबर -4√3 जब धन चिन्ह लेंगे तो +0 कर देंगे अपान 8 हुआ, तो यक्स बराबर -4√3। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि संख्या वही सेम टू सेम लिख दी जाती है। 4 × 4 4 2 8, तो हमें यक्स बराबर मिला यहाँ से -√3√3/2, तो ये आपका आंसर हुआ। अगला है ऋण चिन्ह लेने पर, तो यक्स बराबर यहाँ से हुआ -4√3 - 0/8, यक्स बराबर -4√3। किसी भी संख्या में 0 को जब हम घटाते हैं संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपान किया है 8, तो यक्स बराबर 4 × 4 4 2 8 यानी √3√3/2। तो ये सेम टू सेम इसका आंसर आया। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 2x² + x + 4 = 0 को हल कीजिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके।
तो लिखेंगे बराबर करके 2x² + x + 4 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। यहाँ हम पाते क्या हैं, तो a बराबर हुआ 2, b बराबर x का गुणांक कुछ दिया है नहीं, जब कुछ गुणांक ना दिया हो तो हम क्या मानेंगे 1, c बराबर दिया है प्लस चार, इसलिए द्विघाती सूत्र से फार्मूला होता है x - b + b² - 4ac / 2a। उम्मीद कर चुके होंगे कि द्विघाती फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, ठीक, पिछली वीडियो हमने इसको पढ़ा था। तो x बराबर यहाँ से मिला -b का मान 1 लिखा है +b² - 1 - 4 - c = 4 / 2a = 2। तो x बराबर यहाँ से मिला -1 + -1² = 1 -4 × 8 = 32 / 2 × 4 हुआ। यहाँ से x बराबर लिखेंगे -1 + -1, जब 32 में हम 1 घटा देते हैं तब आपको मिल जाता है -31/4, ठीक, अपान क्या आ गया 4। अब हम यहाँ पर देखते हैं रूट के अंदर संख्या तो 31 है लेकिन संख्या नेगेटिव है, ऋण में आया है ना। अगर कोई संख्या रूट के अंदर नेगेटिव में रहता है, ऋण में आता है, तो वह मान क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या पूरी मानी जाती है। और काल्पनिक संख्या को हम कक्षा 11 में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो नीचे लिखेंगे जो कि एक काल्पनिक संख्या है, अतः दिए गए मूलों का अस्तित्व नहीं है। हमेशा याद रखना, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या नेगेटिव में है तो वह संख्या क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन नीचे जाकर लिंक को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।